हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की ट्रिक सीरीज का ये लेक्चर सेकंड है। इस लेक्चर में भी हम एल्जेब्रिक के जो फंक्शंस है उनका इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमने लेक्चर फर्स्ट में भी किया था, लेकिन वहां पे जो फंक्शन मिल रहे थे वो इस टाइप के नहीं थे, कुछ दूसरा टाइप था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब की बार आपको इस टाइप के फंक्शन रखे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव मेथड की बात करते हैं कि हमने क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में जो मेथड सीखा था, ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड जिसको हम बोल रहे हैं, उस मेथड से अगर सोल्व करें, ठीक है, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है, और ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक जिसका नाम हो गया तो टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, आनी चाहिए वो ट्रिक आपको, है ना। तो पहले एक बार सब्जेक्टिव मेथड से देखते हैं इस टाइप के फंक्शंस को हमने कैसे इंटीग्रेट किया था। तो यहां पे मैं फर्स्ट वाले को बता देता हूं, 2x+3, एक बार मैं लिख लेता हूं इसको, 2x+3/7x+1, इसका x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सब्जेक्टिव मेथड क्या कहते हैं, यहां पे देखो जो दोनों वेरिएबल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, जो x वेरिएबल है दोनों की एक्सपोनेंट सेम आ रही है ना, तो हम डिवाइड करते थे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है 2x+3 उसमें डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से 7x+1 से। डिवाइड करने पर हमको क्या मिला था, 2/7 मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा, और 2/7 को 1 से करेंगे तो 2/7, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3-2/7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 21-2, 19/7, ठीक है, ओके। अब 2x+3/7x+1 dx, इसको किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जो आपको क्वेशेंट मिला है उसको लिखो और प्लस कर दो, क्या जो न्यूमरेटर है, सॉरी जो रिमाइंडर है उसको तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो, 19/7 को मैंने ऊपर लिखा, और अपॉन क्या आएगा जो डिवाइजर था 7x+1, ठीक है, और इस पूरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। देखो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, जैसे 7 में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, तो 2 3 6, रिमाइंडर 1, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं 3 होल 1/2, तो 3 होल 1/2 को 3+1/2 लिख दिया तो गलत है क्या, नहीं है गलत, ठीक है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे वही आएगा 7/2, 7 में 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो ऐसे यहां पे जो क्वेशेंट है उसको लिखा, फिर प्लस किया, जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया, और जो डिवाइजर था वो फिर से अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर बनके, ठीक है। तो उसी टाइप का मैंने ये एक्सप्रेशन बना दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2/7 कॉन्स्टेंट है इसके साथ तो एक्स लग जाएगा, और 19/7 जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 19/7 को आगे लिख दिया मैंने, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है इसलिए, और इंटीग्रेशन कर दिया मैंने 1/7x+1 का x के रिस्पेक्ट में, और यहां पे x लीनियर है, ठीक है, तो इसका तो लॉग में आ जाएगा, आएगा क्या, तो पहले तो मैंने 19/7 को लिखा और इसका इंटीग्रेशन किया तो लॉग 7x+1 आ गया, लेकिन जो x का कोफिशियंट है 7 वो अपॉन में आएगा ना, तो मैंने 1/7 कर दिया प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इस टर्म को हटा के डायरेक्ट 49 लिख देता हूं, ये हमारा आंसर होगा सब्जेक्टिव मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक से हमको आंसर यही मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन टाइम हमारा बचना चाहिए, जितना टाइम इसमें वेस्ट किया उतना वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक किस टाइप के फंक्शंस की ट्रिक है वो आपको मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, ax+b/cx+d टाइप का जो फंक्शन होगा उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा a/cx+ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई bc और फिर -ad, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, अपॉन डेनोमिनेटर में जो x है उसके कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक है, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, लॉग, अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर क्या आएगा, डेनोमिनेटर cx+d और प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, यहां पे c हम यूज नहीं लेंगे क्योंकि c ऑलरेडी मिला हुआ है हमको ना, तो अब ये c के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अगर सेम मिल रहा है ना तो उसको थोड़ा सेपरेट करके लिखो, अलग होना चाहिए, c डैश ले लिया मैंने, आर्बिट्रेरी है कुछ भी ले सकते हो लेकिन abcd मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो अब इस ट्रिक को फॉलो करते हुए हम इसका इंटीग्रेशन लिखना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो a/cx क्या है, x के जो दोनों कोफिशिएंट्स है ना उनको इसी फॉर्मेट में लिख दिया 2/7, और वेरिएबल x है x लगा दिया, ठीक है, प्लस और यहां पे क्या आएगा, b को c से मल्टीप्लाई कर रखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 3 21, माइनस a को d से 2 1 2,
और नीचे सी स्क्वायर, सी क्या है नीचे वाले x का कोफिशियंट 7, तो 7 स्क्वायर 49 इंटू लॉग, और लॉग के अंदर क्या डेनोमिनेटर 7x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी डे सी जो भी है यहां पे, तो सी ले सकते हैं ना, ठीक है यहां पे तो सारे के सारे नंबर ही है। अच्छा अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 21 माइनस 2 19, तो इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में 19 लिख दिया। चेक करो 2 अपॉन 7x प्लस 19 अपॉन 49 प्लस इंटू लॉग 7x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, सेम मैच हो रहा है, ठीक है ये आपकी ट्रिक है। अब इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम इसका इंटीग्रेशन इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो सब्जेक्टिव मेथड चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल वही है। चलो इसके लिए भी मैं सब्जेक्टिव मेथड बता देता हूँ, इसके लिए आप खुद ट्राई करना सब्जेक्टिव मेथड से, ट्रिक से हम करेंगे ना, तो पहले इसको ट्रिक से देख लो। तो यहाँ पे a अपॉन सी एक्स यानी 5 अपॉन 3x प्लस b को c से करो ये डायरेक्शन 3 2 6 और माइनस कर दो a को d से 5 into -1 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और नीचे c स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू लॉग किससे डेनोमिनेटर लॉग के अंदर क्या आएगा डेनोमिनेटर आएगा माइनस वन है और प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख दो 6 प्लस 5 11 हो गया, ठीक है तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको सब्जेक्टिव मेथड से अगर हम करें तो सब्जेक्टिव मेथड क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दो क्योंकि जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट सेम आ रही है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में, ठीक है तो वही फंडा यहां पे अप्लाई करेंगे 5x प्लस 2 में डिवाइड कर रहे हैं हम किस से डेनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से 3x माइनस 1 से तो क्या मिलेगा 5 अपॉन 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 5x माइनस 5 अपॉन 3 साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 5 अपॉन 3 11 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको क्या लिखें 5 अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन 3 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा ये वाली टर्म यानी 1 अपॉन 3x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है पूरे का x के रिस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट है तो इसके साथ तो x आ जाएगा 5 अपॉन 3x और ये 11 अपॉन 3 कांस्टेंट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग में आएगा लॉग 3x माइनस 1 आएगा और जो x का कोफिशियंट वो नीचे आ जाएगा तो 3 into 3 9 हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। चेक करो 5 अपॉन 3x प्लस 11 अपॉन 9 लॉग 3x माइनस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हमको मिल रहा है, ओके। अब इसका जो सब्जेक्टिव मेथड है सेम ऐसे ही अप्लाई करने हैं वो आप खुद करोगे ट्रिक से देख लो। तो ट्रिक के लिए क्या ट्रिक क्या कहती है कि ये जो एक्स के कोफिशियंट है इनको इसी ऑर्डर में लिखो, है ना, तो मैं यहां पे कर देता हूं इक्वल 7 अपॉन 4 इसके साथ वेरिएबल एक्स आ गया, ओके। उसके बाद प्लस करते हैं बी को सी से मल्टीप्लाई करो 5 4 20 और माइनस कर दो इनका प्रोडक्ट 7 3 21 माइनस का लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ पे हम माइनस अप्लाई करते हैं और ये नंबर भी माइनस का है माइनस 21 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 21 और नीचे क्या आएगा सी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, ओके। और इसके साथ क्या आएगा लॉग डेनोमिनेटर 4x माइनस 3 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ठीक है ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको थोड़े तरीके से लिख लो तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा ऊपर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 41 लिख दिया ऊपर, ठीक है तो ये आंसर आएगा। और आप सब्जेक्टिव मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी उसका अगर आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो a अपॉन सी x के साथ रहने दो प्लस b को c से मल्टीप्लाई करो माइनस a को d से मल्टीप्लाई करो और उसको जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ log और log के अंदर क्या आएगा डेनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो भी है, ठीक है। ये ट्रिक थी आज के लिए।